Hello everyone, this is Prachi and today we will learn about Guillain-Barré syndrome. So what is GBS? ये एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे पेरिफेरल नर्व्स को अटैक करता है. सो इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच आवर इम्यून सिस्टम अटैक द पेरिफेरल नर्व्स. वॉट आर पेरिफेरल नर्व्स? ऐसी नर्व्स जो कि CNS और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं है. CNS और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जो भी नर्व्स रहती है उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल नर्व्स. सो बाय डेफिनेशन GBS इज़ ए एक्यूट प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून इंफ्लामेटरी डीमायलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स. एक्यूट इसलिए बोला है क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है. प्रोग्रेसिवली इट इंक्रीजेस. ऑटो इम्यून कंडीशन होती है मतलब जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम हमारी खुद की सेल को अटैक करता है. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड इन्फ्लामेटरी डीमायलिनेशन. डीमायलिनेशन मीन्स दिस इज़ अवर न्यूरॉन एंड दिस इज एक्सॉन. ठीक है, ये जो है CNS से सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, ये सिग्नल्स कैरी करते हैं. तो इसके ऊपर रहती है माइलिन शीट. ये जो ग्रीन कलर की बनी है ये है माइलिन शीट जो कि कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स में हेल्प करती है. तो GBS में क्या होता है, ये जो माइलिन शीट रहती है इसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है. ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन होने के कारण कंडक्शन प्रॉपर नहीं होता है. सो व्हाट इज़ GBS? इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच अवर इम्यून सिस्टम अटैक द पेरिफेरल नर्व्स एंड इट इज़ अ एक्यूट प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डीमायलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स. इन पेरिफेरल नर्व्स बोथ नर्व्स, सेंसरी नर्व्स ऑल्सो एंड मोटर नर्व्स ऑल्सो. अनादर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ GBS इज इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्लैसिड पैरालिसिस. ओके, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्लैसिड पैरालिसिस. इन फ्लैसिड पैरालिसिस द लिम्स और द अफेक्टेड पार्ट बिकम लूज. ओके, सो इट बिकम रिलैक्स लाइक वी सीन इन पोलियोमायलाइटिस. देयर इज फ्लैसिड पैरालिसिस, सो देयर द लिम बिकम एट्रोफाइड. सपोज दिस इज लिम एंड इट बिकम्स एट्रोफाइड, इट बिकम्स श्रिंकन. सो इट हैपन्स इन फ्लैसिड पैरालिसिस एंड इट इज़ ड्यू टू LMN लीजन, मतलब लोअर मोटर न्यूरोन लीजन के वजह से होता है फ्लैसिड पैरालिसिस. उसके कॉन्ट्रास्ट में हम दूसरा टाइप ऑफ पैरालिसिस देखते हैं जो कि स्पास्टिक पैरालिसिस जिसे हम कहते हैं. स्पास्टिक में सर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जैसे लिम्स एकदम कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं. बाकी जो फ्लैसिड रेटस में एकदम लूज हो जाते हैं और इसी में हमें मसल वीकनेस देखने को मिलती है फ्लैसिड पैरालिसिस में. सो इन GBS वी कैन सी फ्लैसिड पैरालिसिस. अब हम नेक्स्ट देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स. तो साइंस एंड सिम्टम इसलिए आते हैं क्योंकि माइलिन शीट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, हमारे जो नर्व्स जो है उसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है. तो सिग्नल्स प्रॉपर कैरी नहीं होंगे, उसके कारण क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे हम देखते हैं. सो फर्स्टली द सिम्टम्स स्टार्ट्स इन हैंड्स एंड फीट. ओके, सो अपने को हैंड्स में क्या देखने को मिलेगी, टिंगलिंग और नमनेस देखने को मिलेगी. मतलब टिंगलिंग एंड नमनेस मतलब झुनझुनी देखने को मिलेगी और ऐसे सेंसेशन हमें देखने को मिलेंगे. ठीक है, और सेकेंड इज मसल वीकनेस. देयर विल बी मसल वीकनेस. मसल वीकनेस इसलिए हो रही है क्योंकि हमने देखा इसके कारण, क्योंकि GBS के क्या करा देता है, फ्लैसिड पैरालिसिस करा देता है. अगर पैरालिसिस हो गया है मतलब वो बॉडी का हिस्सा समझो हाथ पे पैरालिसिस है, मतलब वो बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा है, तो उसके कारण जो मसल रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, एट्रोफाइड हो जाएगी. वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी. सो सेकेंड इज मसल वीकनेस. थर्ड सिम्टम इज एब्सेंट रिफ्लेक्सेस. एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस. जैसे कि हम हैमर से करते हैं, मारते हैं अगर मसल को, तो उसमें हमें ट्विचिंग या फिर कुछ रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, लेकिन GBS के पेशेंट में रिफ्लेक्सेस एब्सेंट देखने को मिलेंगे. और ये जो हमें देखने को मिली है मसल वीकनेस, ये सिमेट्रिकल ऑर्डर में रहती है. और इसके जो सिम्टम्स है जैसे कि मसल वीकनेस, ये असेंडिंग ऑर्डर में जाती है, मतलब फ्रॉम फीट इट गोज टू हैंड. सो डिस्क्रिप्टिव टर्म इज फ्रॉम टोज टू नोज, मतलब यहाँ टोज प्रेजेंट रहते हैं तो टोज से नोज तक के सिम्टम्स ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं. फोर्थ सिम्टम इज पेन.
पेन कभी कभी होता है, कोई कोई पेशेंट को, किसी को नहीं भी होता है। तो पेन मेनली कहाँ अगर देखने को मिल रहा है तो शोल्डर्स में, बैक में पेन देखने को मिल सकता है और थाइज में हमें पेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज़, हमने देखा कि इसमें हमें मसल वीकनेस देखने को मिलती है। अगर मसल वीकनेस, रेस्पिरेटरी मसल्स अगर वीक हो गई, ठीक है, तो पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में भी जा सकता है। सपोज रेस्पिरेटरी मसल्स लाइक डायफ्राम, इंटरनल इंटरकॉस्ट्रल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्ट्रल्स, सो दिस मसल विल गेट पैरालाइज एंड द पेशेंट विल डाई। सो पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, एंड दिस पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन GBS। अभी तो हमने बात करी कि ये सिर्फ पेरिफेरल नर्व्स को इन्वॉल्व कर रहा था, लेकिन अगर GBS और आगे बढ़ता है तो वो ANS को भी अफेक्ट कर सकता है। हमें पता है कि दो पार्ट्स रहते हैं नर्वस सिस्टम के, CNS के, एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल तो अफेक्ट हो ही गया था, अगर ANS भी अफेक्ट हो रहा है तो मतलब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जैसे कि जिसमें इनवॉलेंट्री हमारी एक्टिविटीज़ होती है लाइक यूरिनेशन एंड कार्डियक एरिथमियाज, ये सभी ANS कंट्रोल करता है, तो ये इसमें भी हमें डिफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि यूरिनरी रिटेंशन, ANS डिसफंक्शन लाइक यूरिनरी रिटेंशन, फ्लशिंग ऑफ फेस, कार्डियक एरिथमियाज एंड हाइपोटेंशन। सो दिस ऑल एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, सो इट विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड इन GBS। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इटियोलॉजी क्या है, मतलब GBS पेशेंट को क्यों हो रहा है। सो GBS हमेशा उन लोगों को होता है जिनको 3 से 6 वीक्स पहले या तो कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ हो, या तो फिर कोई उसे GIT का डिस्टर्बेंस हुआ हो। दो से तीन वीक्स पहले अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ हो या फिर GIT इन्फेक्शन अगर हमें देखने को मिला है, ये हम हिस्ट्री में देखेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है या GIT इन्फेक्शन हुआ है कि अभी रिसेंट डेज में, अगर वो हाँ बोलता है तो फिर हम सस्पेक्ट कर सकते हैं GBS आगे। GIT इन्फेक्शन में हम देख सकते हैं कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी की वजह से इन्फेक्शन हो रहा हो, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो वो साइटोमिगैली वायरस या फिर इप्सटीन-बार वायरस के कारण हो सकता है। GBS का सब टाइप है AIDP, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। डीमाइलेटिंग मतलब माइलिन शीट का हटना, और पॉली मीन्स मैनी एंड न्यूरोपैथी मीन्स नर्व्स का डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये जो हमारे न्यूरॉन्स है और इसके ऊपर जो माइलिन शीट है उसका, अगर इसका डीमाइलिनेशन होता है किसमें, GBS में। तो अब हम देखते हैं कि AIDP में कैसी प्रोसेस होती है। इन्फेक्शन हुआ रेस्पिरेटरी या फिर GIT इन्फेक्शन, तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और टी सेल को एक्टिवेट करता है, और टी सेल निकालते हैं मैक्रोफेजेस एंड दिस मैक्रोफेजेस अटैक करते हैं फिर माइलिन शीट को, और उसका क्या करते हैं, डीमाइलिनेशन, और हमें फिर क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं GBS के। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ GBS। हमने देखा था कि GBS में इन्फेक्शन होता है 3 to 6 पहले, या तो फिर कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी का जो कि GIT इन्फेक्शन है, या फिर साइटोमिगैली वायरस या फिर इप्सटीन-बार वायरस का, इन दोनों में से किसी का इन्फेक्शन हुआ था। तो इनके जो एंटीजन है, जो बैक्टीरिया के जो एंटीजन है, एंटीजन ऑफ द बैक्टीरिया मेम्ब्रेन, और जो हमारे न्यूरॉन्स के जो एंटीजन, नहीं कह सकते इसे, जो न्यूरॉन के जो गैंग्लियोसाइड है, अगर हम ये एक्सॉन का टर्मिनल निकालें और फिर इसे हम माइक्रोस्कोप में देखें और इसका पूरा स्ट्रक्चर देखें, तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है, सिमिलर। तो इसमें होती है मॉलिक्यूलर मिमिक्री, मतलब इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है
वो है सेम है, ये बैक्टीरिया या वायरस का भी और ये हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स का भी स्ट्रक्चर सेम है। तो होता क्या है, ये जो बॉडी में इन्फेक्शन आया था इसको मारने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सो एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स, इम्यून सेल्स कौन सी होती है, टी हेल्पर सेल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। दिस टू सेल विल गेट एक्टिवेटेड। और अब ये टी सेल बोलता है बी लिम्फोसाइट्स को, बी सेल्स को क्या करो, प्लाज्मा सेल्स बनाओ। प्लाज्मा सेल्स वो होती है जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ मतलब जो कि एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी और अटैक करेंगी और उसे डिस्ट्रक्ट करेगी, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ हमारी रिलीज होती है ब्लड में और ये जाती है एंटीजन ऑफ बैक्टीरिया मेम्ब्रेन को भी अटैक करती है और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसको भी अटैक करती है। तो GBS में भी यही होता है, हमारे जो बैक्टीरिया है उसके साथ साथ हमारी जो नर्व्स है वो भी अटैक हो जाती है। सो इसमें हमें कौन सा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन दिस आवर इम्यून सेल्स गेट एक्टिवेटेड एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड आवर दिस एंटीबॉडीज वेयर फॉर द अटैकिंग bacterial membrane back to destruct the bacteria, but because of the similar structure of the neurons, specifically gangliocytes, this antibodies will attack this neurons also. So this is the pathophysiology of GBS. Now next is diagnosis. So diagnosis kaise karenge, first is सिम्टम्स आर सिमेट्रिकल, मीन्स इफ दिस पार्ट ऑफ आर्म इज अफेक्टेड दिस आर्म विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड। सो फर्स्ट इज सिम्टम्स आर सिमेट्रिकल, सेकेंड रिफ्लेक्सेस आर एबसेंट। अगर हम डीप टेंडन रिफ्लेक्स करेंगे, हम जैसे बाइसेप्स या ट्राइसेप्स जर्क करते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं बाइसेप जर्क, तो ये सब हमें एबसेंट देखने को मिलेंगे, सारे रिफ्लेक्सेस लाइक बाइसेप्स रिफ्लेक्स, ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स, फिंगर जर्क, नी जॉग, ये सारे हमें एब्सेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या हुआ, सिमेट्री देखने को मिल रही है या फिर रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है। एंड थर्ड इज हम लंबर पंचर करते हैं और हम CSF में प्रोटीन की वैल्यू देखते हैं, प्रोटीन की। तो GBS वाले जो पेशेंट रहेंगे उसमें प्रोटीन जो रहेगा वो हमें हायर देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, हमें प्रॉब्लम क्या है, एंटीबॉडीज़ से है, तो हम करेंगे प्लाज्मा फेरेसिस। इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और वह ब्लड में से एंटीबॉडीज़ रिमूव कर देते हैं और वापस वह ब्लड पेशेंट में चढ़ा देते हैं। पेशेंट रिक्वायरिंग वेंटिलेटर आर गेट सपोर्टेड विद मैकेनिकल वेंटिलेटर्स, दे आर गिवन मैकेनिकल वेंटिलेटर्स। एंड GBS इज़ वेरी सीवियर, सो इंटेंसिव केयर यूनिट में इसे हम पेशेंट को ट्रांसमिट कर देते हैं। इन्हें हम कभी भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देते क्योंकि ये कंडीशन को और भी ज़्यादा वर्स कर देगा। एंड नेक्स्ट इज पैरालिसिस वाले पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया उनके अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमें GBS वाले पेशेंट को हम इंट्रावीनस एंटीबायोटिक थेरेपी भी देते हैं। So this is all about GBS. Hope you understood the topic. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you. Meet you in the next video. Thank you.